जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद की भारत को चुनौती, कहा भारत 7 सालों में मुंबई हमलों को साबित नहीं कर सका और ऐसा वो कयामत तक नहीं कर पाएगा। हाफिज ने भारत को चुनौती देने वाला वीडियो ट्विटर पर किया शेयर, कहा पाकिस्तान ने नहीं दिया सुषमा को जवाब। हाफिज ने ट्वीट कर कहा मुंबई हमले का सबूत देने में भारत रहा नाकाम, तो पीएम मोदी ने खुद ही 1971 में बांग्लादेश के जन्म में भारत का भूमिका कबूली। तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने आज तक से सीधी बात में हाफिज सईद पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि हम भारत के हुक्म पर किसी को भी नहीं पकड़ सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद में पाकिस्तान दौरे पर देंगे बयान, सदन को पाकिस्तान से हुए करार से कराएंगे अवगत। संसद में हंगामे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दो टू, कहा हंगामा कर संसदीय कार्रवाई में नहीं उत्पन्न करनी चाहिए बाधा, ऐसा करने में कई दूसरे स्थान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा 3 डी डिबेट, डिसेंट और डिसीजन से चलती है संसद, कभी 4th D डिसरप्शन के बारे में नहीं सुना। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की आज पहली केरल यात्रा, त्रिशूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की करेंगे संबोधित, 2016 में केरल में विधानसभा चुनाव। केरल में 15 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की मूर्ति का अनावरण, कार्यक्रम में से मुख्यमंत्री उमन चांडी ने किया किनारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक, जीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की प्रधानमंत्री से सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की अपील, परीक्षाओं में हिस्सा लेने वालों पर बारिश और बाढ़ का पड़ा बुरा असर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, फौजियों की जान देश के लिए बेहद कीमती, मर मिटने की जगह दुश्मनों को करें सफाया। एनजीटी का हिमाचल सरकार को निर्देश, पिकनिक स्पॉट मॉल रोड पर आने वाले वाहनों पर लगाएं ₹500 पर्यावरण शुल्क, शिमला को साइलेंट जोन बनाने का दिया निर्देश। दिल्ली में चलेंगे 10,000 नए ऑटो, अगले हफ्ते जारी हो सकता है परमिट, ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली के शकूर बस्ती में झुग्गी हटाने में बच्ची की मौत पर गरमाई सियासत, केजरीवाल सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश, केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलने का मांगा समय। रेलवे के अफसरों के बयान से सहमत नहीं केजरीवाल सरकार, रेलवे के खिलाफ FIR के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में। रेलवे का कहा पहले हो चुकी थी बच्चे की मौत, अतिक्रमण हटाने के दौरान नहीं हुई मौत, दिल्ली पुलिस के मुताबिक कपड़े का गट्ठर होने से हुई बच्चे की मौत। दिल्ली में स्वच्छ पर्यावरण के लिए पीएम ने भी की पहल, सांसदों को भेंट में दे दी 2 बैटरी बसें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चखा लिट्टी चोखा का स्वाद, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फुटपाथ पर बिहार के स्वादिष्ट व्यंजन का लिया मजा। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज सौंपा गया पद्म विभूषण सम्मान, 94 साल के अभिनय सम्राट को मुंबई में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर जाकर किया सम्मानित। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए स्वच्छ भारत अभियान में शामिल, अभियान में काफी संख्या में वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की राज्य सरकार को चुनौती, कहा बांके बिहारी जी मंदिर और विंध्याचल मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। असहिष्णुता पर आमिर और शाहरुख के बयान के बाद सूरत में उनके खिलाफ जगह जगह लगे पोस्टर, लोगों से दोनों की फिल्मों का विरोध करने को कहा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 21 साल की उम्र में BA प्रथम वर्ष की छात्रा बनी ग्राम प्रधान,
प्रतिद्वंदी को 134 वोटों से हराया। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा के गंगापुर ब्लॉक में भी 21 साल के युवक बने ग्राम प्रधान, 441 वोटों से जीता चुनाव। यूपी के बांदा में कोरही गांव में महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशी की गला रेतकर हत्या, 3 दिन से गायब थी महिला प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक की हत्या, प्रधान का चुनाव हारे प्रत्याशी और उसके भाई पर युवक को गोली मारने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हाफिजपुर में पंचायत चुनाव में जीत के विजय जुलूस के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़े, जमकर हुई फायरिंग, 2 महिलाओं की को लगी गोली। मुंबई से सटे थाड़े के भिवंडी में जिस्म फरोशी का काला धंधा, अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने 46 बार बालाओं को हिरासत में लिया। थाने में देर रात नशे में 2-3 युवकों ने पुलिस पर किया हमला, रात में पेट्रोलिंग के वक्त हुआ हादसा। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियों समेत 12 लोग गिरफ्तार। रविवार की रात मुंबई में एक के बाद एक 3 हादसे, 2 की मौत, 8 लोग घायल। मुंबई के भाईखला इलाके की है घटना, जहां एक सेंट्रो कार ने 9 साल की बच्ची को कुचल दिया, हादसे में रिया नाम की मासूम बच्ची की मौत। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर, मुरादाबाद में घने धुंध की वजह से सड़क हादसा, 1 की मौत। मुगलसराय जंक्शन पर बाड़मेर एक्सप्रेस के यात्रियों का जमकर बवाल, 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकी रही जोधपुर एक्सप्रेस, एसी कोच को बदलने की मांग पर हंगामा। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस बक्सर से के पास रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर से टकराई, हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह घायल, ट्रेन की एक बोगी भी पटरी से उतरी। कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने पर कानपुर के रामन नरसिंह कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर जा बैठे छात्र। एनजीटी की टीम ने आगरा में ताजमहल का किया दौरा, ताजमहल इलाके में पड़े में पेड़ काटे जाने की शिकायत के बाद पहुंची थी एनजीटी की टीम। राजधानी दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, 60 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आसमान साफ लेकिन हवा में जबरदस्त कनकनी। राजस्थान के माउंट आबू में भी 0 से नीचे पहुंचा पारा, जम गई ओस की बूंदे। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, केदारनाथ में -11 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर भारी बर्फबारी, रुई के मोटे फाहे की तरह आसमान से बरसी बर्फ। धर्मशाला में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। यमन में गृह युद्ध और सऊदी अरब की नाकेबंदी से हालात बेहद खराब, खाने पीने की चीजें, तेल और दवाइयों की जबरदस्त कमी। रूस से टर्की को बेवजह रशियन आर्मी को सीरिया में न उकसाने की दी चेतावनी, रूस के वॉरशिप ने टर्की के वेसल पर फायर कर दी चेतावनी। सीरिया की फौज ने आईएसआईएस के ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, हवाई हमले का वीडियो आया सामने, सेना के विद्रोही इलाके में हमले से अफरा तफरी। जॉर्डन में आसमान से 40 किलोमीटर दूर बैप्टिज्म साइट पर बनाया गया 12 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री, शांति के संदेश के साथ मनाया जा रहा है यह फेस्टिवल।
आग से 23 लोगों के मारे जाने के बाद रूस ने जांच के दिए आदेश। 12 दिसंबर को एक मानसिक चिकित्सालय में लगी थी आग।